हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के पढ़ाने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे से हम लोग ट्राई करेंगे कि अच्छे से सब लोगों को समझ में आए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हम लोग ये जो मैथ कवर कर रहे हैं वो SSC के एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे CGL हो गया, CPO हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, स्टेनो हो गया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स SSC लेती है। वो रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, फॉर एग्ज़ाम्पल RRB JEE, RRB NTPC, RRB ALP, ठीक है, ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम्स रेलवे होते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली, जिनमें मैथ्स पूछी जाती है उसके तहत हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। बैंक के एग्ज़ाम हो गए, उसमें काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है मैथ का। अच्छा, इन सब एग्ज़ाम में क्या होगा, इन सब एग्ज़ाम में मैथ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और टाइम लिमिट का तो पता होगा आप सबको, आप जिस भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे आपको अच्छे से पता होगा टाइम की इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है, कैसे ऑप्शन की मदद लेनी है, कैसे हम लोग उस पर यूनिट डिजिट देख सकते हैं, डिविजिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग ऑप्शन को डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस पर सीखेंगे। अभी फ़िलहाल ये मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास है, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, तो मैं इस पर कोई सब्जेक्ट नॉलेज ना देते हुए जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हम लोग इस पर क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे चीज़ों को। तो जो सबसे पहला चैप्टर होगा हम लोगों का दोस्तों, वो मेरा मैंने लिया है परसेंटेज का अर्थमेटिक में। अच्छा, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी अर्थमेटिक में यूज़ होगा आपके एडवांस लेवल में, मतलब एडवांस मैथ में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो गया मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, उस पर भी यूज़ होता है ये कभी कभी, जैसे कि दे देता है कि अगर रेडियस को इतने परसेंट से बढ़ा दें और हाइट को इतने परसेंट से कम कर दें तो जो सिलेंडर का एरिया होगा उसमें कितना परसेंट का चेंज होगा। तो बेसिकली वो मेंसुरेशन नहीं है, वो सिंपल आपका परसेंटेज ही होता है। तो परसेंटेज कई जगह यूज़ होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग परसेंटेज की मदद से कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो परसेंटेज में ये नॉर्मल परसेंटेज के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि इलेक्शन वोट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्राइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्राइस वाले मतलब चीनी का दाम इतना था, इतने परसेंट बढ़ गया, एक्सपेंडिचर ना बढ़े, कितना हम लोग सामान कम लें, ज़्यादा लें, मंथली इनकम फिक्स है मेरी, ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। एक सिंपल कि शहर की जनसंख्या इतनी है, उसमें इतना बढ़ा, इतना घटा, इतना परसेंटेज बढ़ा घटा, तो अभी क्या है, पहले क्या थी, इस तरह के क्वेश्चन जो नॉर्मल परसेंटेज डायरेक्ट बेस्ड होते हैं उस पर, वो क्वेश्चन हो गए। दूसरा अपने आप में एक बड़ा सा अच्छा सा चैप्टर है, वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को दोस्तों, और आपको फॉर्मूला भी अच्छे से शायद याद होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, बट डोंट वरी, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फॉर्मूला का यूज़ भी नहीं करने वाले इस पर, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थर्ड चैप्टर है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, कोई चीज़ इतने में ली, इतने में बेची, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इतने में बेचते तो क्या होता, इतने में ख़रीदते तो क्या होता, काफ़ी बड़ा चैप्टर है दोस्तों और बहुत अच्छे से हम लोग इसको भी कवर करेंगे। दूसरा जो एक सेक्शन है मैथ का, उसमें हमने लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और सर्वानुपात, मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण और एवरेज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बेसिकली क्या होगा दोस्तों, कि आपको रेशियो के क्वेश्चंस पता होंगे कि ये चीज़ इतनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्लास में इतने लड़के इस रेशियो में हैं, इतने लड़के और ऐड करते हैं तो नया रेशियो लड़के लड़कियों का क्या होगा, इतने लड़के निकाल लेते हैं तो रेशियो क्या होगा, तो ये जस्ट लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, करना सब में एक ही चीज़ होगा हम लोगों को। प्रोपोर्शन में क्या है, प्रपोर्शन बहुत स्ट्रेट टॉपिक है, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है आपको, ठीक है, ये भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, सिंपल चीज़ है, एक ही दो बातें दिमाग में रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, मैंने लिखी नहीं है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी बेसिकली क्या है, रेशियो को टाइम के साथ हम लोग लेंगे, वही पार्टनरशिप है, ठीक है ना, कि ए और बी और सी, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ए इतने रुपए रखता है, बी इतने रुपए रखता है, सी इतने रुपए रखता है, ए इतने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, बी इतने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, सी इतने समय, तो प्रॉफिट रेशियो क्या होगा हम लोगों का, या प्रॉफिट रेशियो दिया होगा, पूछेगा बी ने कितना इन्वेस्ट किया, सी ने कितना इन्वेस्ट किया, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो
तो ये तीनों चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो अच्छा दूसरा चैप्टर हम लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन है। मिक्सचर में बेसिकली क्या है, मिश्रण हमको पता है बहुत अच्छे से, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं इसमें कि जैसे हो गया आपका जिंक और टेन इतना रेशियो है, इसमें हमने इतने इतना और डाल दिया, अब नया रेशियो क्या होगा, मिल्क और वाटर इतना परसेंट मिल्क था, सॉरी इतना इस रेशियो में था, हमने क्या किया 5 लीटर पानी डाल दिया, या फिर पानी डालते रहे डालते रहे डालते रहे, कब तक डालेंगे कि रेशियो ये हो जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चन विद क्लैरिटी, और आपको एक बाय स्टेप बाय स्टेप मैं बताने की कोशिश करूँगा हर चीज़ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सेकेंड, मिक्सर के बगल में जो एलिगेशन लिखा हुआ है, बेसिकली ये कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं रेशियो वाले, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एलिगेशन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगा सकते हैं, काफ़ी जगह हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। ये अपनी चॉइस है आपकी कि तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो। थर्ड जो चैप्टर है हम लोगों का, थर्ड चैप्टर है एवरेज औसत। बहुत ही नॉर्मल सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, 10 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, लेकिन वो इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं। एक्चुअल क्वेश्चन कुछ अलग आएंगे, जैसे एक तो फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन होंगे, 1 से लेके n संख्याओं तक का एवरेज क्या है, उनका स्क्वायर कर दे तो एवरेज क्या है, क्यूब कर दे तो एवरेज क्या है। उसके अलावा जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इस क्लास का एवरेज वेट का ये है, या मार्क्स का एवरेज इतना है, इतने नए लड़के आ जाते हैं इतने वेट या मार्क्स वाले तो अब एवरेज क्या होगा, इतने लड़के चले जाते हैं तो अब एवरेज क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। और हम लोग बहुत ही बेसिक से, बहुत हल्के हल्के से, आराम आराम से करते जाएंगे ताकि आपका एक बहुत अच्छा सा बेस क्लियर हो जाए। सी में जो मैंने लिखा है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाल समय व दूरी। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, पर इसका यूज़ कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक। इक्का दुक्का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो करेंगे, अदरवाइज हम लोग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पता है आपको, एक कार यहाँ से इतने देर में इतने इस स्पीड से जाती, अगर इस स्पीड से जाती तो कितनी जल्दी पहुँचती, कितनी देर में पहुँचती, ए से एक ट्रेन चलती है बी से एक ट्रेन चलती, दोनों कब मिलेंगी, मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान या डेस्टिनेशन पॉइंट कब पहुँचेंगी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी सारे इसमें टाइप होंगे करने को, बहुत सारी चीज़ें होंगी सीखने को उस चैप्टर में। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। समय लिखा नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। कार्य और समय, टाइम एंड वर्क में क्या होगा, आपको पता है ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए बी सी भी आ जाएगा साथ में, इतने दिन में ये करते हैं उतने दिन में ये करते हैं, कब काम कंप्लीट होगा, कितने परसेंट काम इतने दिन में ख़त्म होगा, कितना परसेंट काम पूरे दिन में ख़त्म होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं इसमें। बहुत ही अच्छा चैप्टर और ईजी चैप्टर है। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम बेसिकली इसका टाइम एंड वर्क का ही एक टाइप है, पर इसमें क्या होता है कि इसमें नेगेटिव वर्क भी होता है। जैसे मान लो ए और बी कोई टंकी भरने वाले हैं और सी आपका टंकी खाली करने वाला है, इतनी देर में भरते हैं इतनी देर में खाली करते हैं, तीनों एक साथ खोल दिए क्या होगा, ए और सी को खोल दिया फिर बी और सी को खोल दिया, तो ये मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस लैंग्वेज आपको पिक करनी होती है। अच्छा, जो अर्थमेटिक होगी ना वो बेसिकली होगा क्या, क्वेश्चन सारे इजी होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं यार, कुछ एग्जाम में अगर टफ बनाएगा तो वो सबके लिए टफ होंगे, राइट। बट कुछ जो इसमें जो क्वेश्चन होंगे पूरी अर्थमेटिक में, हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली लैंग्वेज ब्रेक करनी होगी, कैसे क्वेश्चन के तुम लैंग्वेज को पकड़ते हो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, पहाड़े आपको याद होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आप कैसे जल्दी करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अर्थमेटिक के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस भी करेंगे, कैसे हम लोग जल्दी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, वो सारी चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा, सो डोंट वरी डोंट बॉदर। दूसरा जो पोर्शन होगा हम लोगों का एडवांस मैथ का, वो होगा एडवांस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एडवांस हम लोग करेंगे क्या, हाई स्कूल लेवल तक की मैथ,
जो पढ़ रखी है हम लोगों ने, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेज लेके आए हैं, बट स्टिल उन तरीकों से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होगा, क्योंकि हम लोग उस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम लोग सॉल्व करते ही रह जाएंगे और टाइम ख़त्म हो जाएगा। हम लोग हर टॉपिक को एक नए तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ही धीरे तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा और होपफुली आपको समझ भी आएगा। जैसे कि एडवांस मैथ में क्या है, पहला जो चैप्टर है हम लोग का वो है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण जिसको बोलते हैं, LCM, SCF, लघुत्तम, महत्तम, समापवर्तक, सबको पता होगा। तीसरी चीज़ इसमें लिखी नहीं है, तीसरी चीज़ फॉर एग्जांपल हो गया सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। तो ये एक सर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब हो गया, सर्ट्स का मतलब होता है घातांक, इंडिसेस का मतलब होता है, सर्ट्स का मतलब होता है करणी, रूट वाला, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये तो इसको कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का ही एक टाइप होता है ये। दूसरी चीज़ है एलजेब्रा, बीजगणित पता है आपको, एक्स वाई वाला, ठीक है। एक्स जिसने कईयों की ज़िंदगी बर्बाद करी है तो डोंट वरी, हम लोगों की नहीं बर्बाद करने वाली है, हम लोग इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। कुछ नंबर और फॉर्मूले होंगे जो आपको टिप में याद करवाने की गारंटी मैं लेता हूँ। फिर उसके अलावा कुछ और भी तरीके होंगे जिनसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी सेम एलजेब्रा वाला हिसाब किताब है, ठीक है। थीटा, अल्फा, साइन, कॉस, फलाना, ढिमकाना, सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग बहुत बेसिक से करेंगे इसको भी, ट्रिग्नोमेट्री को भी। और फॉर्मूले कुछ होंगे जो आपको याद करने हैं, लेकिन बेसिकली फॉर्मूले बहुत कम यूज़ होंगे आपके एलजेब्रा में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, बेसिकली वैल्यू पुटिंग होती है, एक्स को ये डाल दो, वाई को ये डाल दो, थीटा को 90 डाल दो, थीटा को 0 डाल दो, 45 डाल दो, कौन सी वैल्यू कब डालनी है, कब वैल्यू नहीं डालनी है, किस तरह से ऑप्शन मैच कराना है, कब ऑप्शन में वैल्यू डालनी है, ठीक है, क्या रिज़ल्ट आए कि वैल्यू वो हमको सेलेक्ट नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरह से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाला हूँ। चौथी चीज़ है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्योमेट्री में क्या होगा, देखो दोस्तों, कोई भी जो फिगर होता है, ठीक है, जो भी फिगर हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बेसिकली दो तरह के फिगर होते हैं, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में स्क्वायर सर्कल, जो कि हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्री में, सारी चीज़ें उसकी कवर करेंगे ज्योमेट्री में, काफ़ी सारी जो भी ट्रायंगल हो गया जैसे, ठीक है ना, उसकी जितनी भी आपकी जो इससे रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग चीज़ों को याद करेंगे, वो सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए इसमें, और मैं बहुत अच्छे से आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेसिकली क्या है, आपका कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, पर यूज़ होने वाला है आपका ज्योमेट्री का, राइट। उसके अलावा और भी जो टू डायमेंशनल फिगर हो गए, जो पूरी आपकी पैरेललोग्राम फैमिली हो गई, पॉलीगन हो गया, थ्री डायमेंशनल फिगर, फॉर एग्जांपल कोन हो गया, बेलन हो गया, है ना, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी, तो वो सारी हम लोग यूज़ करेंगे। और कुछ तरीके भी होते हैं, बेसिकली 11 का मल्टीपल हम लोग लेते हैं ऑप्शन में, हालांकि वो अब बहुत ही अनकॉमन हो गया है, क्योंकि एग्जामिनर सारे 11 के मल्टीपल ही ऑप्शन डालता है पेपर में, बट स्टिल ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कैसे 11 का मल्टीपल चूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, पूरी मैथमेटिक्स में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कैसे मैं आपको सरल तरीके से आपको चीज़ें समझा पाऊँ, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आराम से करेंगे। डेली आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो मिलने वाली है, और जो भी टाइम होगा वीडियो मिलने का वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा आई गेस दूसरा या तीसरा दिन होगा शायद चैनल का, और हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का टाइम है तो बेसिकली उस तरह के अरेंजमेंट अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम कैसे आपको अच्छे से समझा पाएँ, आप लोग भी समझ पाएँ, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग दोस्तों अच्छे से मैथ सीखें। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और हाँ, एक मैसेज आप सबके लिए है कि आप लोग भी ज़्यादा घूमे टहले नहीं, अपने घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। अभी एग्ज़ाम सारे कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन सब सारा समय ऐसा नहीं होता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और हम लोग अच्छे से आपकी पढ़ाई में मदद करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।